चीन ने अपने मैप के जरिए जो चालाकी शुरू की उसे भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज करवाया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार ही नहीं है। विरोध जताने के साथ साथ विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि चीन के ऐसे कदम सीमा विवाद को हल करने के मुद्दे को और मुश्किल बनाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा है कि चीन के नक्शे से कोई फर्क नहीं पड़ता। चालबाज चीन ने फिर चली चाल। चीन ने की नक्शे में पैंतरेबाजी। शी जिनपिंग ने महज 5 दिन पहले साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया, सीमा विवाद के समाधान की बात की और कुछ ही घंटों के अंदर चीन ने अपना रंग दिखा दिया। चीन ने बता दिया कि पूरी दुनिया उस पर भरोसा क्यों नहीं करती। चीन के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से नक्शे को झेंजियांग प्रांत के डेकेंट काउंटी में जारी किया गया। इस नक्शे में चीन ने भारत के हिस्सों के अलावा ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी अपना हिस्सा बताया है। इस नक्शे में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को भी अपने इलाके में दिखाया है। चीन के नक्शे जारी करने के कुछ ही घंटों के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आईना दिखा दिया, उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया। एक इंटरव्यू के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने नक्शे में जिन इलाकों को अपना बताया है वो उनके नहीं है। ऐसा करना चीन की पुरानी आदत है। अक्साई चीन और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। पहले भी चीन भारत के हिस्सों को लेकर नक्शे निकालता रहा है, उसके दावों से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार का रुख साफ है, बेकार के दावों से ऐसा नहीं हो जाता कि किसी और के इलाके आपके हो जाएंगे। चीन का नया नक्शा जारी होने के बाद विदेश मंत्रालय ने चीन में चीनी राजदूत को तलब करके इस पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने चीन के तथाकथित 2023 मानक मानचित्र पर चीनी पक्ष के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। चीन के ऐसे कदम सीमा विवाद को हल करने के मुद्दों को और मुश्किल बनाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक हफ्ते बाद G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उससे पहले चीन की हरकत बताती है कि चीन अपने घरेलू आर्थिक संकट से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि चीन की इस हरकत ने कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। गुलाबी नीली पीली आंखों की बात नहीं कर रहे, आंखों में आंखें डाल के बात तो करते और पूछते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीन की कि हमारे अरुणाचल प्रदेश को आप अपना क्षेत्र बता रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में हेलीपैड बना रहे हो, हमारे गांवों का नाम चेंज कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गलवान घाटी में पीछे से आके हमारे सैनिकों को कायरतापूर्ण वार किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और प्रधानमंत्री जी देश में आकर देशवासियों से क्षमा मांगिए, जब आपने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ था, उस दिन भारत की वीर सेना का मनोबल घटा। चीन इस वक्त घरेलू मोर्चे पर बिखरा पड़ा है। कोरोना के बाद उसकी आर्थिक हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। इसके अलावा LAC पर उसके सैनिक टिक नहीं पा रहे। ताइवान ने उसकी नाक में दम कर रखा है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सरकार को सलाह दी है कि चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।